पूरे महीने का राशन लाती मेरी मम्मी इतने पैसों में। भाई ये क्या क्या आइटम ला रहे हैं, सजा सजा के, जितना सजा के आइटम आ रहे हैं मुझे पता है इतना ही खर्च के भी लाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, आज से कुछ दिन पहले निशु ने एक वीडियो बनाई थी, लेटिंग द अदर पर्सन डिसाइड व्हाट आई ईट फॉर 24 आवर्स, और तभी से तुम मेरे पीछे पड़े हो, भैया तुम भी ये चैलेंज बनाओ, तुम भी ये चैलेंज बनाओ। मैं नहीं बनाना चाहता था क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन निशु की जितनी अच्छी नहीं है, पर तुम लोग भी मानते कहां हो, तो चलो ठीक है, आज मैं भी बना रहा हूं लेटिंग द अदर पर्सन डिसाइड व्हाट आई ईट फॉर 24 आवर्स। इसमें सामने वाला बंदा डिसाइड करेगा कि हम 24 घंटे तक क्या खाएंगे और इसके रेस्टोरेंट मैनेज। ये मेरी चॉइस नहीं थी, ये इनकी चॉइस थी, क्योंकि मैंने इसके रेस्टोरेंट चूज किए थे, तो ये मैडम भी आ गई है टाइम से अपना बदला लेने और फ्री का राशन खाने, क्योंकि इसने मेरे में बहुत ज्यादा चीजें डाली थी, 5 स्टार, ये वो, कोरियन कुरियन। मैं आई हूँ पूरी तैयारी के साथ, सबका बदला ले अगर अतरा। हेलो भाई, निकालो अपनी ब्रेकफास्ट की पर्ची। तूने महंगा रेस्टोरेंट डालना सच में, मैं फाड़ दूंगा वो पर्ची। माने माने अच्छा नहीं माने क्यों नहीं जाएगी यार, जो होगा देखा जाएगा। बस भोले बाबा शक्ति दो और मुझे कोई अच्छी सी पर्ची, सस्ता ठेला ठुला दे, होना भी तो चाहिए। मैकडोनल्ड, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, मैकडोनल्ड आएगा कितना ही महंगा होगा, 100 रुपए 200 रुपए। अगर सामने वाले ने 2000 का ऑर्डर कर रखा होगा तो ऐसा सुन सुन बोल। भाई भगवान से यही दुआ कर रहा हूँ कोई मेरे जैसा ही आया हो, स्टूडेंट लेवल का बंदा जो बेचारा एक बर्गर ऑर्डर करे 40 रुपए वाला। और मैं भगवान से जस्ट इसका अपोजिट दुआ मांग रही हूँ। मेरी कंडीशन देख, क्या कंडीशन भाई, तेरे पास 2-3 हजार रुपए नहीं है रोटी खाने के। All my friends are toxic, अबे देख ले, भगवान ने ना मेरी हमेशा सुनी है, क्योंकि मेरा ना एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट सा है भगवान के साथ। मैं कब हो गया ये, कब हुआ कब? भगवान तो मेरे घर ही रहते हैं, मैं तो यूं ही फोन लगा के बात कर लेती हूँ, मेरी सुनेंगे भगवान। अरे बस कर भाई, अभी बच जाएगा। 4 लड़के आगे वाली गाड़ी में, ठीक है, और 4 लड़के जब मिलते हैं ना तो कुछ तगड़ा ही खाते हैं भाई। बात तो सही है, मुझे इनकी शक्ल देख के लग रहा है ये बाकसुर टाइप लोग हैं, भर के खाएंगे भाई। 2000 का नोट निकाला उसने, 2000 का नोट निकाला लिटरली। अरे कहा था बर्गर खाने की जगह है, 2000 का नोट लेके चलने की जगह थोड़ी है यार। हेलो, जो मेरे आगे वाला ऑर्डर था वो रिपीट कर दो। मैं सोच रही हूँ जो बिल आएगा वो कितना तगड़ा होगा, है देख ले तगड़ा। मना कर रहा था मैं, ये भी नहीं पता 1000 रुपए मैंने लिया क्या है। मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा है। थैंक यू मैम। गाइस बिल तो हमने देख लिया, बहुत महंगा है, अब देखते हैं इन बाकासुरों ने ऑर्डर क्या करा है। एक पता कैसे लगा वेज है नॉन वेज है? क्या बोला तूने, शेक कब से मुर्गे का बनने लगा, शेक नहीं आते नॉन वेज इसमें तो, फ्राइज ही फ्राइज है कोरी। ये मुझे लग रहा है कहीं बाढ़ नहीं जा रहे थे। नहीं नहीं अपने ले लिया था उन्होंने यार। तो गाइस ये अगले ऑर्डर करके गए थे 4 फ्राइज 4 बर्गर और 4 ड्रिंक, और हम हैं 3, तो एक का क्या करेंगे, एक किसी को दे दें? हम किसी को दे देंगे खाने के लिए, ठीक है, तो गाइस एक के दे देंगे और बाकी 3 मैं खाता हूँ। हम भी तो खाएंगे, तेरा बाप यहाँ छोड़ कर गया था कि तेरी माँ, मर लें दे यार अब, ले खा लो भाई। मयंक के लंच की पर्ची निकालने का, अभी तेरे पेट में जगह है क्या, इतने बर्गर खाए तूने, लंच रहने देते हैं, सीधा डिनर करेंगे भाई, पूरे दिन का चैलेंज है, लंच तो करना पड़ेगा, लंच तो नहीं छोड़ सकते, लंच इज इम्पोर्टेंट। पता है हरामी हो, अभी कह रही थी मैं उल्टी करके निकाल दूं क्या नया और फिर लंच करेंगे, ये बातें बोली नहीं जाती हैं। भोले नाथ अब तो साथ देना, सुबह तो तुम्हारा शायद नेटवर्क नहीं आ रहा था सही से। भोले बाबा पर्ची मैंने बनाई है, ये इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है, इसमें लिख रखा है आप गुड़ कैफे, यहाँ पर एक अंडर कवर करके है, अंडर कवर नहीं है ऑन कवर है। यार भाई अंडर कवर तो एजेंट होते हैं यार, अंडर कवर कैफे बनाएंगे और लोग पहुंचे हुए कैफे पर। गुड़ का मतलब क्या है, मतलब रोड साइड कैफे में नहीं, किसी अच्छे कैफे में जाना जहाँ बढ़िया खाना, लाइटिंग वाइटिंग सब मिलता हो, बिल बढ़िया आता हो ना, होती है चीजों की यार। भाई ये कैफे कुकी तो तेरे वाले में भी लिखे थे मैंने यार, कैफे कुकी तेरे वाले में भी नहीं लिखे थे मैंने, 5 स्टार मेरा बाप क्या था क्या, 5 स्टार में तो फिर भी लोग हल्का खाना खाते हैं, कैफे में तो लोग आते ही यासी कर रहे हैं, पता नहीं कितने का बिल आ जाएगा यार। तो अच्छी बात है आज हम भी पार्टी कर लेते हैं, बहुत दिन से पार्टी भी नहीं करी। यू वेर चलाक ब्रो, मैंने तुझे बोला था पर्ची बनाए तो ऐसी बनाई हो कि ढाबा रेड़ा जूस सेंटर, वहाँ तो तू डेली खाता ही है रोज का है, तो मेरा वही खाने में लगता है, मुझे कैफे वैसे ही पसंद भी नहीं आता खाना इन सब जगहों का, वो तो अलग बात है, पैसा भी होना चाहिए उसके लिए। मेरे एक पैसे पे खा रही सुबह से, जो बर्गर उल्टी मारे है ना मेरे पैसे पे।
मेरे अभी जो ऑर्डर ले रहे हो इससे पहले जो भी ऑर्डर आया था वो रिपीट कर दो, सेम खाना। ये निशु को तो मुझे हमेशा से पता था कि लालची है, पर ये डीके भी इसके साथ रह रहे के लालची हो गया। भाई तू तो मान जा यार। कैसे मान जाओ भाई, पूरा साथ तो निभाना पड़ेगा ना, अकेले तुम्हें छोड़ नहीं सकता खाने के लिए। इतनी महंगी जगह लाने की क्या जगह थी, तुम नॉर्मल कैफे में ले सकते थे। गुड़ कैफे क्या होता है? शुक्र मना के यहाँ लेकर आई हूँ, वरना और जगह तो इससे महंगा ही मिलता। ये कम महंगा लग रहा था अभी? 5-6 हज़ार तक तो यहाँ पे भी बिल आ जाएगा। मेरा पेशाब आ रहा है, पेशाब करके आते तो भाई। ये क्या क्या आइटम ला रहे हैं, सजा सजा के, जितना सजा के आइटम आ रहे हैं मुझे पता है इतना ही सज के भी लाएगा। इतना खाती क्यों है, चलो ना जाए घर ले चल। पोती आए बस हवा निकल गई, खाते हुए शर्म नहीं आएगी, टट्टी तो आएगी जब इतना भसकेगी। भाई साहब 1750 रुपए का बिल आया है, अब 1000 रुपए का ऑलमोस्ट आया था सुबह, यानी कि 2750 रुपए पूरे महीने का राशन लाती मेरी मम्मी इतने पैसों में। पता नहीं इसने डिनर में क्या बावर्ची रेस्टोरेंट लिखा होगा, अभी तो ये नहीं पता। तो गाइस अब टाइम है मयंक के स्नैक्स की पर्ची निकालने का। तो गाइस स्नैक्स की पर्ची हम नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट लंच हो गया है, अब मेरा पेट भर चुका है, मैं सीधा करूंगा डिनर। चैलेंज ऐसे नहीं चलता। इसके घर पे रात को एक टाइम खाना बनता है और 24 घंटे उसे ही खाते रहते हैं और यहाँ ये स्नैक मांग रही है। ठीक है, पर गाइस मेरा चैलेंज है, अब मेरी मजबूरी बन गई है तो स्नैक भी आज खा लेते हैं। जब बर्बाद होना है तो पूरा बैंक करप्ट हो जाते हैं ना, ना पेट में भूख है ना जेब में पैसा, स्नैक खाने चाहिए। स्ट्रीट फूड गाइस मेरा आया है स्ट्रीट फूड, अब आएगा मजा क्योंकि स्ट्रीट पे जाके हम फूड खा सकते हैं और सस्ते में काम निपटा सकते हैं। चलो भाई मेरे बजट का पहला कुछ तो आया, मेरे साथ ही ऐसा होता है। स्ट्रीट फूड ही खा रहा तो बढ़िया जगह खाए भाई, देख यहाँ से आगे लेफ्ट ले। पूछा किसी ने तू कौन है सलाह देने वाली, मैं खुद डिसाइड करूंगा, मेरा चैलेंज मेरी वीडियो मेरा चैनल मेरा सब कुछ। भाई भलाई का जमाना ही नहीं रहा, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, अगले की तो मदद करने लगी मैं। बॉस ये सब दोगलापन, अब जहाँ मन करेगा जिस ठेले से मन करेगा वहाँ से स्ट्रीट फूड खाऊंगा। चलो भाई दिस इज रियल स्ट्रीट, ये कौन सा फूड है, तो जूस की दुकान है स्ट्रीट पे है, खाने पीने की चीजें स्ट्रीट फूड हो गया। तो पीते हैं खाते थोड़ी हैं। तो स्ट्रीट फूड में खाने पीने की चीजें तो मिलती है, खाने पीने का ही तो चैलेंज है। खाने खाने का चैलेंज है ये नहीं है, अब फिर मैं मोहित तो कैसे दबा रही, जब खाने खाने का चैलेंज है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भैया, जो लास्ट वाला बंदे ने जितने जूस लिए उतने जूस दे दो। भाई साहब अब आएगा मजा, अपना काम हो गया बहुत ही सस्ते में। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का, खाने का आ जाता तो और मजा आ जाता। अरे कितना खाती है यार, अपना शरीर देख भैंस होती जा रही है। गाली लिख दो इसको मेरी तरफ से, हराम का खा रही है ना मैं, खानदानी हराम का खाने आते तुम्हारी, मेरे फैमिली पे मत जा। तो इतनी दिक्कत है तो गाड़ी सुधर के जाना, मैं खुद कर लूंगा अपना चैलेंज। ऐसे कैसे गाड़ी सुधर के चली जाऊँ आधे शूट में, एक तो दे दे मेरे को भी तो पिला, ए दो थोड़ी पीते एक साथ बाथरूम लग जाएगा। मेरा चैलेंज था ना तो खाना पीना मेरे लिए। टूटा हुआ साज हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पे तो मैंने अपनी कर ली है बहुत ज्यादा बचत, अब बस डिनर बचाया तो डिनर में देखते हैं हमारे लिए क्या है। तो गाइस अब फाइनली टाइम है मेरे डिनर का और निशु जी यहाँ पे फिर से अपनी पर्चियां लेकर खड़ी हैं। तो हे भोलेनाथ अब ऐसी पर्ची आए जहाँ मुझे बढ़िया रोटी सब्जी मिले, ऐसी है ना इसमें पर्ची मौजूद है, ऐसी पर्ची है। अगर मैं बाद में जब देखूंगा जब चैलेंज खत्म हो जाएगा ऐसी पर्ची नहीं मिली है, 5 स्टार है तो रोटी मिलती है 5 स्टार में। अब देखते हैं कि मुझे डिनर के लिए क्या मिलता है, बस रोटी मिल जाए मैं तो यही चाह रहा हूँ। टीम होटल्स आया है जो कि एक कॉफी शॉप है और जिसका पर्चा मेरा डिनर के टाइम पे निकला है। ये चांसेस कितने हैं कि टीम होटल्स में इस टाइम किसने रोटी सब्जी ऑर्डर करी होगी? रोटी तो मिलती नहीं वहाँ पे। अरे कुछ खाने का ऑर्डर करा होगा किसने? खाने का तो कमी मिलता है। मिलता है ना? मिलता तो है। बस भगवान किसने मुझसे पहले जो बंदा आया हो भला हो भगवान का बच्चा हो उसने कुछ खाने का ऑर्डर करा हो, जिंदगी कॉफी ना ऑर्डर करी, बस यही दुआ है। भैया जो आपके पास लास्ट ऑर्डर आया था ना प्रीवियस ऑर्डर वो रिपीट कर दो। तो गाइस मैंने इनसे बोला है लास्ट ऑर्डर रिपीट करने के लिए और इन्होंने मुझसे लिए हैं पूरे 856 रुपये और मैं इसको पढ़ नहीं रहा क्योंकि मैं अभी से गमगीन नहीं होना चाहता और गाइस डिनर का टाइम है
जिसके बाद ना मैं कोई पर्ची खोल पाऊंगा और ना कुछ खा पाऊंगा। अब भी होप कर रहा हूँ कि कुछ खाने का ऑर्डर करके गया हो, कोई रोटी सब्जी टाइप। तो गाइस जब डिनर आना था जहाँ पे मुझे रोटी सब्जी की उम्मीद थी, यहाँ डोनट मिले हैं और ये दो कोल्ड कॉफी आई है जो कि मैं और डीके आपस में बांटेंगे। अरे मेरे को पिला दे, आज तक कभी डेट पे लेके नहीं गया, सोच रही हूँ डेट पे लाया है। बड़ा हरामी हो तू। इसे लग रहा है ये सब बातें बोल के मैं थोड़ा खुश हो जाऊंगा और इसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा। मैं और डीके खाएंगे क्योंकि तूने सुबह से बहुत खाया है। अब तू अपने घर जाके चाय पीना, ठीक है? हम दो, मेरा डिनर है यार ये, दोनों एक काम कर दो, मैं ही पीता हूँ। Why are we still here? Just to suffer every night. कभी मिला नहीं होता ना जिन लोगों को, वो ऐसे ही करते रहेगा। जली ना तेरी भी जली ना। गाइस मुझे लग रहा था ये फूड चैलेंज आसान होते होंगे, पर भाई मेरे सुबह से 4,000 रुपए खर्च हो चुके हैं और उसके बाद भी मुझे रात को भूखे पेट सोना पड़ रहा है क्योंकि डोनेट में तो पेट भरता नहीं है इंसान का। तो गाइस मेरी इसी डेडिकेशन के लिए इस वीडियो को लाइक करो और अगर आपने इस पर 50,000 लाइक करा दिए तो मैं फिर से बनाऊंगा एक और फूड चैलेंज वीडियो विद निशु, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय।